आज हम शेयर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। उसके लिए मैंने लंबा सा एक फैब्रिक लिया हुआ है। आपको जितनी चौड़ाई चाहिए आप ले सकते हो, डिपेंड फैब्रिक के ऊपर है कि वो कितना मोटा है। पतला फैब्रिक रहेगा तो आपको लंबा सा फैब्रिक लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और हाइट में ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये जो लंबा फैब्रिक है मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 नंबर की जो सिलाई है उस पर मशीन को सेट करना है। सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई से रन करना है। धागा लंबा छोड़ना है। वापस दूसरी जो स्टिच है मुझे एक दाब के अंतर पे लेना है, यानी ये जो मेरा दाब है इसके बाजू से ऐसे फ्लो होगा। देखिए मैंने सेकंड स्टिच भी मार दी है। ऐसे करके मुझे पूरे फैब्रिक को फिल करना है। इस तरह से बहुत सारे स्टिचेस आपको मारना है। देखिए मैंने यहाँ पे लगभग कुछ 10 सिलाई मार दी है और एक सिलाई में मार देती हूँ उसके बाद। सिलाई मार ली है जैसे हमने गैदर्स में किया था उसी तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई मारी है। अब इस बॉटम को, ये पूरे सिलाई खींचने से पहले इस बॉटम को मैं टर्न कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे बॉटम भी टर्न कर दी है। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके ये जो सिलाई है इसे ओपन करना है और इसे खींचना है जैसे हमने गैदर्स में किया था उसी तरह से। सारी सिलाई जो है एक एक करके मैं खींचने वाली हूँ। देखो यहाँ पे 2 थ्रेड्स रहते हैं, ये 2 थ्रेड्स जो है इसमें से अपर वाला जो थ्रेड है वो मैं खींचने वाली हूँ इस तरह से। ध्यान रखना है कि धागा जो आपके हाथ में है वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धागे लगे हुए हैं। अगर ऐसे हो जाता है कि धागा टूट जाता है तो आपको वापस वो सिलाई खींच के आपको वापस मारना पड़ेगा। दूसरी साइड से कर रही हूँ, थोड़ा इस साइड से थोड़ा उस साइड से करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टिच जो है वो मैंने कम्प्लीटली खींच ली है। अब सेकंड स्टिच जो है उसके दोनों भी धागे मुझे ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद मुझे इसे भी खींचना है। देखिए सेकंड थ्रेड भी मैं खींच रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत पास में किया हुआ है, आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा दूर कर सकते हो, लेकिन सैंपल अगर आपको चिपकाना है तो थोड़ा पास में ही लेना है। ऐसे एक एक करके मुझे सारे स्टिचेस जो है वो मुझे खींच लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो थ्रेड्स है वो ओपन कर लिए। आपको सैम्पल चिपकाते वक्त आपको इस तरह से फोल्ड करना है या फिर आप स्टिच कर सकते हो इसे इस तरह से,
और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कट कर देना है और इसे ऐसे चिपका सकते हो। ये छोटे से मिनी फ्रॉक जैसे दिखाई देगा। यहाँ पे बेल्ट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल शेयरिंग कंप्लीट हो चुका है।